तो आज के हमारी इस क्लास में हम नेस्टेड इफ के बारे में बात करेंगे। और अमित जी एंड अंकित जी, आप प्लीज अपना रिकॉर्डिंग शुरू कर लें। ठीक है सर, शुरू हमने करिए। कल बताया था आपको, जैसे कि यहाँ अगर मेरे पास ग्रेटर देन फिर यहाँ पे 50 to 80 के बीच में हो, 800 हो, तो हमने क्या बताया था, एंड का यूज कर लेंगे, राइट। अब एंड यूज करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एंड मल्टीपल कंडीशन भी सिंगल रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है कि अगर ग्रेटर देन 50 है और लेस देन 80 है तो रिजल्ट है, इफ फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसमें क्या है कि रिजल्ट 800 फिक्स है ना हमारा सर, एक ही रिजल्ट है दो कंडीशंस में, राइट सर। लेकिन अगर मैं बोलू कि मेरा कंडीशन चेंज हो रहा है, मतलब 50 टू 80 होने पे 800 देना है, लेस देन 50 हुआ तो 100, ग्रेटर देन 80 हुआ तो 200। अब यहां पे ये चीजें नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आपके मल्टीपल कंडीशन विद मल्टीपल रिजल्ट्स आता है, आपका एंड आउट ऑफ यूज हो जाता है। तो यहां पे हम इस्तेमाल करते हैं नेस्टेड इफ। हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 50 है, फिर इसके अंदर एक और इफ लगाएंगे कि सामने वाली वैल्यू अगर लेस देन 80 है, तो यहां पे 800 आए नहीं तो 200 और ब्रैकेट 100। अब ऐसे क्यों हुआ, अब इस चीज को समझिए ध्यान से। तो बेसिकली सबसे पहले चेक किया कि 82 इज ग्रेटर देन 50, अगर ऐसा हुआ तो इफ क्या करेगा, दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सीधे ए 100 को शो करेगा, क्योंकि लेस देन 50 होने पे 100 आना है। फिर यहां पे चेक करेगा कि अगर ये लेस देन 80 है तो फिर ए 800 को शो करेगा, अदरवाइज 200 को शो करेगा। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान से देखिए कि हमने दूसरा इफ पहले इफ के ट्रू पार्ट में डाला है। ये हमेशा याद रखिए, जब एंड का कंसेप्ट हो तो नेस्टेड इफ अगर यूज कर रहे हो तो जितने इफ है सारे इफ ट्रू पार्ट में लगेंगे, और जो होता है वो फॉल्स पार्ट में लगता है। किस तरह से लगता है चलिए बताते हैं। हमने कल आपको एग्जांपल दिया था सैटरडे संडे वाला, राइट, कि अगर सैटरडे संडे हो तो यहां पे वीक ऑफ आना चाहिए, अदरवाइज ओपन आना चाहिए। अब यहां पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो गई है, यहां कि सैटरडे अगर होगा तो हम यहां पे हाफ डे शो करेंगे, संडे हुआ तो ऑफ होगा, और बाकी मंडे टू फ्राइडे हुआ तो ओपन होना चाहिए। अब ये चीज एंड से नहीं हो जाती, नहीं हो सकती, क्योंकि और से नहीं हो सकती, क्योंकि और में कब यूज किया था हमने, जब सैटरडे संडे में ऑफ और मंडे टू फ्राइडे ओपन, सिंपल दो रिजल्ट था तो। बट यहां पे मल्टीपल रिजल्ट हो रही है तो इसके लिए क्या करेंगे, वी अप्लाई द इफ फॉर्मूला। इफ हमने इसको सिलेक्ट किया कि ए इक्वल टू सैटरडे है, फिर अगेन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया, नहीं माफ कीजिएगा, अब क्या हुआ कि और में क्या होता है कि दूसरा इफ पहले इफ के फॉल्स पार्ट में आता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अगर सैटरडे हुआ तो एचडी शो कर दो, रिजल्ट दे दो, कोई आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगेन हमने इफ लगाया, इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर इक्वल टू संडे है तो यहां पे ऑफ
फिर अगेन एल्स लगाया और बोला आओ, बाकी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि बाकी तो मंडे टू फ्राइडे में ओपन ही होगा ना। देख अब एल्स काम कैसे कर रहा है इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए सिंपल से इसका स्टोरी है, एल्स चलेगा, कंडीशन मैच हुआ, रिजल्ट देगा और बाकी सारा को इग्नोर कर देगा, नहीं चलेगा। दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ नहीं चलेगा, मतलब कि फॉल्स होगा। तो अगर फॉल्स हुआ तो फिर एक दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, दूसरा इफ चेक किया, रिजल्ट हुआ तो देगा, अदरवाइज फॉल्स रिजल्ट देगा। और तीसरा इफ है तो तीसरा इफ चलेगा। तो एंड और दोनों की जो वर्किंग फंक्शनलिटी है समझ में आ गया आपको सर? नेस्टेड इफ के साथ अनिकेत जी, अमित जी, कोई डाउट इसमें? हाँ अच्छा, एक और एंड का एक और एग्जांपल देता हूं, जरा समझ में आ जाएगा। हम यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट्स हो गए। फिलहाल मान लीजिए हमने तीन सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाला हुआ, अब तीन से ज्यादा भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि फिलहाल मैं तीन का ही निकाला। और स्टेटस में यहाँ मुझे पास और फेल रिजल्ट दे रहा है, और रिजल्ट में सेम है कि अगर ग्रेटर देन 30 हुआ तो सबको पास कर देना है, सिंपल सा। तो यहाँ हम लास्ट क्लास में बताया था कि हमने यहाँ पे इफ के साथ एंड लगाया था, एंड दिया था सब्जेक्ट वन ग्रेटर देन 30, ठीक है, फिर सब्जेक्ट टू ग्रेटर देन 30, ठीक है, सब्जेक्ट थ्री ग्रेटर देन 30, ठीक है, 4, 5, 6, 7 इस तरह से आगे कंटिन्यू कर सकते हो, और यहां पे पास और फेल कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं यहां पे फेल आ रहा ना, मैं जानना चाहता हूं किस सब्जेक्ट में फेल हुआ है। तो इसके लिए हम एंड यूज ना करेंगे, नेस्टेड इफ करेंगे। हम लिखेंगे इफ यहां पर देखिए, इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है उसका फिर इफ लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू अगेन 30 है हमारा, अगेन इफ देंगे, उसको सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। तो तीनों अगर 30 हो गया या उससे ज्यादा है तो 30 हो गया तो यहां देंगे हम पास। अब यहां पे हमने तीन इफ लगाया है ना, तो हर इफ के ट्रू पार्ट में तो हमने दूसरा इफ दे दिया है, तो लेकिन फॉल्स पार्ट तो खाली है, तो हर इफ का फॉल्स पार्ट देना होगा। तो अभी किस पे है हम? तीसरे इफ पे है। तीसरे इफ में हमने क्या दे दिया? ये हमारा ट्रू पार्ट हो गया, ये हमारा फॉल्स पार्ट, सॉरी एक लॉजिक हो गया, यह हमारा ट्रू पार्ट हो गया। अब बात करते हैं वैल्यू फॉल्स। वैल्यू फॉल्स को हमने बोला कि सब्जेक्ट थ्री फेल है और हमने तीसरे इफ को कंप्लीट कर लिया। अब आगे दूसरे इफ पे, तो दूसरे इफ का ए हो गया आपका लॉजिकल वाला पार्ट, ए पूरा जो हो गया आपका ट्रू पार्ट, वैल्यू ट्रू, और वैल्यू फॉल्स अभी खाली है। तो कॉमा वैल्यू ऑफ फॉल्स में हम बोलते हैं कि सब्जेक्ट टू फेल। सेम उसी तरह से हम पहले इफ में आ गए, तो पहले इफ का हो गया लॉजिकल टेस्ट और दूसरा तीसरा इफ आ गया ट्रू पार्ट, एंड फॉल्स पार्ट कॉमा देके हम दे देते हैं कि सब्जेक्ट वन फेल, और एंटर प्रेस किए नीचे रिजल्ट आ गया पास अदरवाइज फेल। राइट अब ये चीजें प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, 2, 4, 5 बार लगाएंगे नहीं, तब मैं आपको 10 बार भी समझा दूं फिर भी समझ में
नहीं आएगा। दिस इज अ प्रैक्टिस की चीज है, इसका सिंपल लॉजिक है कि पहला इफ चलेगा और इसको चेक करेगा। अगर एक कंडीशन फुलफिल हुआ मतलब कि ग्रेटर देन 30 हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड कर देगा, नहीं हुआ तो सीधे वो सब्जेक्ट वन फेल को आउट कर देगा और पूरा इफ को इग्नोर कर देगा। अगेन दूसरा इफ चलेगा, अगर ट्रू हुआ मतलब कि सी 13 ग्रेटर देन 30 हुआ तो तीसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, नहीं तो सीधे चला जाएगा सब्जेक्ट टू फेल देके यहीं पे खत्म कर देगा कहानी। फिर सब्जेक्ट थ्री जो है इफ, तीसरा इफ क्या करेगा, चेक करेगा कि सब्जेक्ट डी 13 सब्जेक्ट थ्री भी ग्रेटर देन 30 है, ऐसा हुआ तो सिंपल सा पास देगा नहीं तो फेल देगा। तो इसी तरह से चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, इसी तरह से वर्क करेगा। अब चलिए एक और हम एंड का एग्जांपल देखते हैं जो कि हमने दिया था कि मेरे पास आईडी प्रूफ है। यहां पे तो आईडी प्रूफ में पैन नंबर है, यूआईडी है एंड मान लीजिए कि पासपोर्ट है। अब तीनों में से कोई एक जमा कर सकता है, तो स्टेटस में मुझे ओके आप पेंडिंग देना है और इसमें हमने वाई लगा रखा था, तो एक भी दे सकता है और कोई दो भी दे सकता है। तो यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, इफ हमने इसको सेलेक्ट करके दैट इज इक्वल टू वाई इफ दे सकते हैं। अगर ये वाई हुआ तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पे ओके कर दीजिए। फिर अगेन इफ लगाया हमने, इसको सेलेक्ट किया कि दैट इज इक्वल टू वाई है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ओके कर दीजिए। अगेन इक्वल टू वाई, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ओके कर दीजिए। सबसे लास्ट में आएगा पेंडिंग, क्योंकि पेंडिंग होने के चांसेस एक ही बार है, जैसे कि नीचे। तो कैसे इफ कैसे परफॉर्म कर रहा है, चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो हमने यहां पे देखी, क्योंकि और कंसेप्ट है, मैंने अभी भी बताया आपको कि जो और का कंसेप्ट होता है वो हमेशा फॉल्स पार्ट में आता है और एंड का कंसेप्ट हमेशा ट्रू पार्ट में आता है, मतलब कि दूसरा इफ। तो हमें सिंपल सा हमने बोला कि अगर जी 13 इक्वल टू वाई है तो यहीं पे ओके शो कर दो और पूरा आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को यहीं पे खत्म कर दो, नहीं है तो फिर वो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करते हैं। दूसरा इफ चेक करता है कि वाई है तो ये इसी यहां पे ओके को शुरू कर दो, अदरवाइज तीसरे इफ को फॉरवर्ड करो। तो तीसरा इफ तभी वर्क करेगा जब पहला मान के दूसरा और पहला इफ जो है हमारा फॉल्स होगा। तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें कि पैन नंबर मुझे चाहिए ही चाहिए, जिसे कंपल्सरी, इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक चाहिए। तो हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में, हमने यहाँ पे एंड और बताया था कि हमने y इक्वल टू इसको सेलेक्ट किया एंड कॉमा और का फॉर्मूला लगा के और में इन दोनों को रखा था। तो मिक्सअप था हमारा, तो एंड इसी तरह से यहां भी होगा कि सबसे पहले इफ कंडीशन देंगे, इफ में इसको चेक करेंगे कि इक्वल टू आई है कि नहीं है, और चेक करने के बाद यहां हम ओके का रिजल्ट नहीं देंगे, यहां पे हम एक और इफ लगाएंगे कि इफ अगर यू आई डी इक्वल टू वाई है तो ठीक, यहां पे ओके दे दीजिए।
सिंपल सा मुद्रा है। तो ये सिंपल सा क्या है कि अगर ये G13 अगर Y है, G13 अगर Y है तो फिर दूसरा इफ चलेगा, नहीं तो यहां पे छोटा सा प्रॉब्लम होगा कि आपको फॉल्स आया, क्योंकि पहले इफ का हमने ट्रू पार्ट तो ले लिया है क्या, बट फॉल्स पार्ट तो नहीं रहे हैं। ये जो फॉल्स पेंडिंग देख रहे हैं तो इस इफ का है ना, इस इफ का तो है ही नहीं। तो यहां यहां पे आके देखिए, दिख रहा आपको यहां पे वैल्यू ट्रू हाईलाइटेड है, जब कॉमा करेंगे तो देखिए ये हाईलाइटेड हुआ। तो इसमें दो बार हमें पेंडिंग डालने पड़ेगा, राइट सर। अब इंसेंटिव की बात कर लेते हैं, तो अब ग्रेडिंग सिस्टम की हम बात कर लेते हैं एक बार कि मान लीजिए मुझे ग्रेड देना है, जो होता है ना रिजल्ट का जो ग्रेड होता है, मुझे एक ग्रेड देना है। तो हम ग्रेड कैसे देंगे, तो यहां पे 0 to 40, 41 to 80, 81 to 100 और यहां पे greater than 100, नहीं greater than 100 तो नहीं होता ना grading सिस्टम में। तो इसमें C ग्रेड आएगा, इसमें B ग्रेड आएगा, ये हमारा A ग्रेड है, सिंपल सा। तो यहां भी हम नेस्टेड इफ का इस्तेमाल करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो सी ग्रेड, अगेन ए इसको सेलेक्ट करेंगे, लेस देन इक्वल टू 80 हुआ तो बी ग्रेड, फिर अगेन इफ का कंडीशन देंगे अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 हुआ ए ग्रेड, सिंपल। बट इसका फॉल्स पार्ट कहां है, तो फॉल्स पार्ट में हम यहां पे फेल दे देते हैं। अब देखिए यहां पे सिंपल है, अगर 40 से नीचे आएगा तो सिंपल से सी कर देगा, इसको फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। ऐसे ही अगर ये 80 से नीचे आएगा तो 20 शो कर देगा, आगे फॉरवर्ड ही नहीं करेगा। मतलब कि दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ फॉल्स होगा, दूसरा इफ तभी चलेगा जब पहला इफ हमारा फॉल्स होगा, ठीक है सर। तो सिंपल मेथड है, अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग बैठ के कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद अगर प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है तो हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे करने के लिए कल। अगर प्रैक्टिस नहीं होती है, आपके डाउट्स होते हैं तो कल और भी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, अदरवाइज प्रैक्टिस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए ताकि कल हम आपको कुछ क्वेश्चन दे सकें।